केंद्र में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा जोरों पर है। इस बीच केंद्र सरकार ने कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं। केंद्र सरकार के अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने राज्यपालों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। गुजरात भाजपा के नेता मंगू भाई छगन भाई मध्यप्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं अब तक केंद्रीय मंत्री रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक और छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। इनके पहले आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का प्रभार संभाल रही थी। एमपी के 19वें राज्यपाल बने मंगू भाई पटेल गुजरात के नवसारी से 5 बार और 1 बार दूसरे क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। वे मोदी कैबिनेट में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। मंगू भाई दक्षिण गुजरात से मुख्य आदिवासी नेता रहे हैं। गुजरात में भाजपा को मजबूत करने के लिए भी मंगू भाई पटेल को जाना जाता है। वे 2014 में गुजरात विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 2013 में उन्हें गुजरात विधानसभा का डिप्टी स्पीकर भी बनाया गया था। कर्नाटक में भाजपा के दिग्गज नेता थावरचंद गहलोत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। थावरचंद गहलोत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और केंद्रीय मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा भाजपा में कई संगठन कार्यों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रमेश बैस को अब झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। रमेश बैस पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री पद संभाल चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल के पद पर राजेंद्रन विश्वनाथ को नियुक्त किया गया है। मिजोरम के राज्यपाल रह चुके श्रीधरन पिल्लई को अब गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं मिजोरम में हरिबाबू कमम्पत्ती को राज्यपाल बनाया गया है। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता बंगारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।